फ्रेंड्स, पत्रिका के सागर एडिशन में एक न्यूज़ जो आई है तो सोचा आप तक पहुंचा दूं। वो न्यूज़ क्या है ये हम देख लेते हैं। 3000 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। 1 अप्रैल से शुरू होगी शिक्षक भर्ती। 2 केंद्रों पर होगा सत्यापन। क्या है, जिले के 3000 चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। इसका मतलब है कि सागर जिले से 3000 लोग सेलेक्ट हुए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया था। तो ये सब वही बातें हैं। और लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश जारी कर दिए। शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों का सत्यापन, ये सब डेट्स दी हैं जो आपकी आपको ऑलरेडी पता है। वर्ग 1 का कब होगा, कब से कब तक, और वर्ग 2 का कब से कब तक होगा। और इसमें ये खबर आप तक लाने का जो एक कारण था वो ये था, ये लास्ट में दिया है कि दस्तावेज जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित हो चुके थे अब उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होगा। तो ये कई लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न था क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आज ये पेपर में ज़रूर दिया गया है कि जिनका सत्यापन हो चुका है ऑलरेडी उनका सत्यापन दोबारा नहीं होगा। कई लोगों का क्वेश्चन था तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है कि जिनका सत्यापन हो चुका है उनका दोबारा सत्यापन नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा होता तो फिर उस तरह की सूचना बहुत जल्दी आ चुकी होती, इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं। अब उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होगा। जिले में 2 केंद्रों पर सत्यापन किया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग और JD कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन का काम होगा। तो ये पत्रिका ने न्यूज़ छापी है कि सागर जिले में 3000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, पहली चीज़। दूसरा, 2 केंद्रों पर सत्यापन होगा। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कि दस्तावेज सत्यापन जिनका ऑलरेडी हो चुका है उन्हें दोबारा सत्यापन नहीं करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ थी आपके लिए। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और अच्छी अपडेट के साथ चयनितों के लिए। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल।